हाय फ्रेंड, संडे किचन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं शाही एग करी। आप घर पे कैसे बना सकते हैं, हम एग को बॉईल कर लिए हैं, अभी बॉईल कर लीजिए। और टमाटर को भी बॉईल करना है। हम छः पीस एग लिए और उसमें 3 मीडियम साइज़ हम टमाटर ऐड करेंगे और 3 मीडियम साइज़ प्याज भी है, आधी है लहसुन है और हरी मिर्ची। हम आधी लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से वॉश कर लेंगे और प्याज का छिलका उतार के इसको हम स्लाइस कर लेंगे। ये देखिए, अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है और हल्का ब्राउन कलर आने तक, ये देखिए ऐसा फ्राई करना है। तब तक हम पेस्ट बना लेते हैं। टमाटर और काजू का पेस्ट बना लेंगे। ये कुछ 10 से 12 काजू है और इसमें जो टमाटर हम बॉईल करके रखे थे उसका छिलका उतार लिए हैं और टमाटर और काजू का हम एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हम पेस्ट भी बना लिए। और इसको क्या करेंगे, एक बॉल में इसको ऐड कर देंगे। इसको एक बॉल में आप निकाल लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि इसमें आधी लहसुन और जो फ्राई किया हुआ प्याज था उसको ऐड कीजिए और इसको पेस्ट बना लीजिए। इसका भी पेस्ट बनाना है, इसको अलग पेस्ट बनाना है। आधी लहसुन और प्याज का अलग पेस्ट बनाना है, क्योंकि अगर काजू टमाटर आप एक साथ धह के पेस्ट बनाएंगे तो मसाला पकेगी भी नहीं और उसका कांचापन आएगा। अब हम वही तेल में जिसमें हम प्याज फ्राई किए थे उसमें हम हरी मिर्च और तेजपत्ता ऐड करेंगे। उसके बाद हम वो आधी लहसुन और प्याज का पेस्ट था हम उसको ऐड करेंगे और पहले हम इसको पकने देंगे। इसमें थोड़ा सा आप सूखा लाल मिर्च पाउडर 1 टेस्पून ऐड कीजिएगा और हल्दी पाउडर ऐड करना है और गोल मिर्च पाउडर और कुछ नहीं, सिर्फ अब इसमें गरम मसाला हम ऐड करेंगे। आपके पास गरम मसाला जो भी कुछ है, अगर घर का बनाया हुआ गरम मसाला है तो वो 1 टेस्पून ऐड कीजिए, नहीं तो मटन मसाला है वो भी आप ऐड कर सकते हैं अगर है तो, नहीं तो पनीर मसाला वो भी आप ऐड कर दीजिए, वो भी चलेगा। और इसमें हम नमक ऐड किए 1 टेस्पून। आप स्वाद के आप अपना स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे, जब तक कि इसमें तेल ना छोड़ दे तब तक हम इसको अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से पक गया। अब हम इसमें काजू का जो पेस्ट बना के डाले थे और टमाटर का, वो हम ऐड कर देंगे। फिर इसको हम अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए, इसको भी अच्छे से पकने दें। अब हम इसमें इसको थोड़ा ढक के इसको अच्छे से पकाएंगे, 10 से 15 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये देखिए, शाही पनीर का सबसे टेस्ट कैसे आता है, दूध ऐड करने से आता है। दूध ऐड कीजिए, मलाई ऐड कीजिए। और एक सीक्रेट है, वो भी हम शेयर करेंगे। दूध ऐड करके इसको अच्छे से पका लेना है। ये देखिए, आप ढक के पकाइएगा क्योंकि ये डब करके छीटा भी आ जाएगा आपके फेस पे, इसलिए आप इसको ढक के पकाइएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच टोमेटो सॉस ऐड करेंगे। यही सीक्रेट है कि आपका इसका टेस्ट स्वाद अलग ही ला देगा। शाही एक करी या शाही पनीर जो भी आप बनाएंगे, इसका स्वाद अलग ही, टेस्ट अलग ही आएगा। अब हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आजकल सबके घर में दूध रहता है, आप उसका मलाई ऊपर से निकाल के और उससे भी ऐड कर दीजिए। ये दीजिए, इसको अच्छे से पका लेना है। अब हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे और 5 मिनट तक मीडियम आँच पे उसको ढक के पकाएंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से पकने दीजिए। इसका ग्रेवी कितना अच्छा है ना, आप एक बार ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए।
आपको रेस्टोरेंट भी नहीं जाना पड़ेगा, घर पे ही आपको वो स्वाद मिल जाएगा। ये देखिए पूरा तेल छोड़ दिया है ग्रेवी में। ये देखिए अब ऊपर से आप धनिया पत्ता ऐड कर सकते हैं। धनिया पत्ता से टेस्ट ही अलग आता है, आपको पता ही होगा आप कुकिंग करते होंगे तो। ये देखिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए ग्रेवी, देखिए इसका ग्रेवी कितना अच्छा है। तब तक आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि जो भी मेरा नया वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। ये देखिए अब हम इसको सर्व करके आपको दिखलाते हैं। ये देखिए फ्रेंड कैसे इतना सिंपल और घर में कैसे शाही एग करी आप बना सकते हैं। ये देखिए कितना टेस्टी लाजवाब बन गया, बन के रेडी हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, एकदम सिंपल ही है। आप सब्जी से जल्दी आप ये बना सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।